तो आ गए आप लोग देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ मकर राशि के बारे में। बुध का जो ये महागोचर होने जा रहा है, बड़ा इसको तूफानी गोचर अगर कहूं तो ज्यादा शब्द सूट करेगा, क्योंकि बुध देव जो है सो मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं 9 अप्रैल से लेकर के 10 मई के बीच में। और देवी और सज्जनों, मीन राशि में बुध का प्रवेश अच्छा नहीं माना जाता। मीन राशि में बुध का जाना यानी कि बुध का नीच का हो जाना, ये नीच प्रकृति का भी बुध हो गया नीच राशि में जाते हैं, तो जब ही नीच प्रकृति का हो गया तो अच्छा रिजल्ट देना तो बड़ा मुश्किल ही है। देवी और सज्जनों, बुध का मकर राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में प्रवेश होगा, इसके फल को जानेंगे। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। तो हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्य काय किरो हाल है के नाची यहां सब कैसन वानी हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, क्यों नाचो मनक्कम खम्हा गणि हुकुम केम ते अच्छंती की खबोर नमस्तु भ्यंग राधे राधे। देवी और सज्जनों, सबसे पहले ये जान ले कि आप मकर राशि के हैं भी या नहीं। ये वीडियो वो सभी लोग देख सकते हैं जिनकी लग्न मकर है, जिनकी जन्म राशि मकर है अथवा जिनकी नाम राशि मकर है, ये सभी लोगों के लिए है। अगर आपके कुंडली के प्रथम भाव में 10 लिखा हुआ है तो आपका जो लग्न है वो मकर हुआ, आपके लिए भी ये वीडियो है। अगर आपके कुंडली के जिस भाव में चंद्रमा लिखा हुआ है वहीं पर में 10 लिखा हुआ है तो भी ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आपका जन्म राशि जो है सो मकर हुआ। कुछ ऐसे लोग होंगे जिनकी ना ही जन्म कुंडली होगी, ना ही जन्म तारीख, ना ही जन्म समय, जन्म राशि जन्म लग्न का पता ही नहीं होगा, तो उनके लिए मैं लेकर के आया हूं नाम अक्षर। नाम के अक्षर के आधार पर में भी आप जान सकते हैं कि आपकी राशि मकर है या नहीं। मैं कुछ अक्षर बताने जा रहा हूं, अगर इस अक्षर से आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि मकर हुई। जैसे कि पहला अक्षर है भो, भो से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि मकर हुई, जैसे कि भो से होता है भोजराज। दूसरा होता है जा, जा से अगर आपका नाम शुरू होता है अथवा जौ से जनार्दन, तो आपकी राशि मकर हुई। जैसे किसी का नाम जी अक्षर से शुरू होता है जिन्ना, तो राशि मकर हुई। जैसे किसी का नाम खी अक्षर से शुरू होता है खिन्ना खीर, तो मकर राशि। जैसे खू, खू से खूंखार मकर राशि, ख, ख से खच्चर भी कहते हैं मकर राशि। जैसे खो, खो से खो खो मकर राशि। जैसे कि ग से गायन ज्ञानचंद मकर राशि। जैसे गी से गीता मकर राशि। यानी कि अक्षर हो गए भो जा जी खी खू खा खो गा गी। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपके नाम शुरू होते हैं तो आपकी जो राशि है वो मकर हुई। आइए अब चर्चा को आरंभ करें और बताने का प्रयास करूं कि आपके लिए आखिर मकर राशि वाले ये समय जो है सो कैसा रहने वाला है। आपके लिए कुंडली के तीसरे भाव में जो है सो रहने वाले हैं कौन, तो बुध देवता नीच के। और तीसरे भाव में बुध देवता के रहने के कारण इस समय में मकर राशि वाले जातक को छोटे भाई बहन जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से खूब लाभ नहीं मिल पाएगा। तीसरे भाव में मकर राशि वालों के लिए बुध देवता के रहने के कारण आपके खुद के पराक्रम में भी कुछ कमी आपको देखने को मिलेगा। आप अपने आप में बहुत ज्यादा पराक्रमी अपने आप को अनुभव नहीं करेंगे, थोड़े से कमजोर वीक महसूस कर सकते हैं। कुंडली के तीसरे भाव में बुध के बैठने के कारण आपका पेशेंस लेवल, आपका धैर्य जो है थोड़ा सा कमजोर पड़ सकता है। कुंडली के तीसरे भाव में बुध के बैठने के कारण माता के लिए ये समय 9 अप्रैल से 10 मई के बीच में कष्टदायक पीड़ादायक साबित हो सकती है। कुंडली के तीसरे भाव में बुध के बैठने के कारण 9 अप्रैल से
10 मई के बीच में मकर राशि वालों को छुपा हुआ दुश्मन गुप्त शत्रु जो है सो ज्यादा परेशान करने की कोशिश कर सकता है। कुछ गले से संबंधित, कुछ नाक से संबंधित, कुछ कान से संबंधित, कुछ श्वसन अंग से संबंधित, कुछ हाथ वगैरह में चोट वगैरह लग सकता है अथवा कुछ समस्या का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ से जो सप्तम दृष्टि है कुंडली के नवम भाव पर में है और आप सब महान विभूति हैं, आप सब जानते हैं कि नौवां भाव आपके भाग्य का होता है। भाग्य का नौवां भाव होने का अर्थ है देवी और सज्जनों कि आपके भाग्य का इस समय में साथ ना मिल पाना। भाग्य भरोसे बैठने का खैर ये समय भी नहीं है। कहते हैं कि तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोई, होनी अनहोनी नहीं होनी हो सो हो। जो भक्ति कांड में लोग हैं जिनको अच्छा हुआ बुरा हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ऐसे लोग निश्चित तौर पर भाग्य भरोसे रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग भक्ति कांड में नहीं है उनको अच्छे बुरे से फर्क पड़ता है, तो वो लोग इस बात को माने कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, अजो जस करही सोतस फल चाखा। कर्म की प्रधानता दे, मेहनत करें, परिश्रम करें, तभी फल मिलेगा, भाग्य भरोसे काम नहीं होगा। मकर राशि वालों को इस समय धर्म के क्षेत्र में कार्य करने में कुछ रुकावट, कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तीर्थ यात्रा वगैरह थोड़ा मुश्किल से आपको हो सकता है। और आपको बता दूं कि आपके यश में भी कुछ कमी के योग हैं, चाहने वाले लोगों की संख्या में भी कुछ कमी हो सकती है। साला साली से, ससुराल से किसी बात को लेकर के परेशानी, कुछ टेंशन तनाव की स्थिति भी इस समय में सामने आ सकती है। संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद मिलना इस समय में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। कुछ बुरे सपने भी इस समय में आपको देखने को मिल सकते हैं। और मकर राशि वालों के लिए, मकर लग्न वालों के लिए जो बुध का घर है, मकर कुंभ मीन मेष वृषभ मिथुन छठा भाव भी होता है, तो छठा भाव भी बुध के कंट्रोल में है, तो कुछ दुश्मन भी आपको डैमेज करने का, परेशान करने का कोशिश कर सकता है। कुछ समय आपका चिंता में बीत सकता है। कुछ हेल्थ वाइज इशू, कर्ज, केस, मुकदमा, पेट से संबंधित परेशानी, अफेयर्स, कलंक, शोक, दुख, ये सब भी कुछ देखने को आपको मिल सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बुध तीसरे भाव में नीच के बैठे हुए हैं। तीसरा भाव जो है सो आपके लंग्स का भी होता है, फेफड़ा, आपके बांह का, शोल्डर का, हाथ का, इन सब का होता है। इन सब से संबंधित किसी प्रकार की समस्या का आपको सामना करना पड़ सकता है। और यहां से सप्तम दृष्टि नवम भाव पर में है, तो नवम भाव पर में दृष्टि यह दर्शाता है कि ये जो है सो आपके जांघ का, लीवर का, बैक का, जो आपका है साइटिका वगैरह जो होता है, L3 L4 वगैरह जो होता है उसका, उस सब से संबंधित भी कुछ हल्का फुल्का परेशानी, आपको कमर में दर्द वगैरह थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, तो उन सब मामले में थोड़ा सा सावधान रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए सज्जनों, तो यही थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने आपको बताने का प्रयास किया कि आपके लिए मकर राशि वाले कितना बढ़िया, कितना बुरा, कितना खराब, कितना अच्छा समय रहने वाला है 9 अप्रैल से 10 मई के बीच में। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो निश्चित तौर पर पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे।